अयोध्या राम मंदिर रामलला मूर्ति के बारे में कुछ उल्लेखनीय तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रामलला आइडियल्स। जैसे ही 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक समारोह शुरू हुआ, सभी का लक्ष्य न केवल इस सदी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना की ओर बल्कि श्री रामलला की मोहक मूर्ति के कई खास पहलुओं की ओर भी आकर्षित हुआ। बहुत ही ज़्यादा सटीकता और प्रेम तथा भक्ति भाव के साथ बनाई गई इस अद्भुत मूर्ति के बारे में कुछ खास बातें इस प्रकार हैं जो आपकी रुचि बढ़ा सकती है। मूर्तिकार की विशेषता। मैसूर के प्रख्यात मूर्तिकार अरुण योगी राज जी ने रामलला की मूर्ति की शिल्पकारी की है। इससे पहले भी उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई मंदिरों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के उनके बहुत ही अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड है और अनुभव के साथ भगवान राम के चित्रण को उन्होंने एक अद्भुत स्वरूप दिया है। इस मूर्ति में न केवल भगवान राम का स्वरूप चित्रण किया गया है बल्कि मूर्ति में श्री विष्णु के सभी 10 अवतारों के भी संकेत दिए गए हैं। इन अवतारों में मत्स्य, मछली, कूर्म, कछुआ, वराह, सुअर, नरसिम्हा, मानव शेर, वामन, बौना, परशुराम, योद्धा, राम, राजकुमार, कृष्ण, ग्वाला, वृद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध शामिल हैं और कल्कि भविष्य का अवतार भी है। रामलला इस नाम से ही आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि मूर्ति में राम जी के 5 साल के छोटे बच्चे के रूप में दर्शाया गया है और वे हाथ जोड़े हुए एक अनोखी मुद्रा में खड़े हैं। रामलला का श्रृंगार काफ़ी खास और मनमोहन लेने वाला है। उसमें भी सबसे खास उनका मुकुट। मुकुट के बारे में बता दें कि बदायूं के सर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने रामलला के ये मुकुट डिजाइन किया है। इस मुकुट को बनाते समय भी काफ़ी रिसर्च की गई और भाव, पहनावा और जीवर सब कुछ ऐसा रखा गया जो 5 साल के बच्चे का हो और वो राजघराने का भी लगे। भगवान राम की मूर्ति की अन्य विशेषताएं। अयोध्या राम मंदिर के लिए बनी भगवान की राम की मूर्ति की लंबाई 51 इंच है। मूर्ति कृष्ण हिला नामक काले पत्थर से बनाई गई है। कृष्ण शिला एक ऐसा विशेष पत्थर है जो मूर्तियां बनाने के लिए लचीला तो है ही, साथ ही साथ दूध, प्रसाद और अन्य वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद यह खराब नहीं होता। नमस्कार दोस्तों।